बिल्कुल। और एक बड़ा अपडेट बलिया से है, 4 जिला पंचायत सीटों के नतीजे आ गए। यहाँ पर वार्ड नंबर 41 से सपा की कंचन यादव ने जीत दर्ज कर ली है और वार्ड नंबर 57 से रश्मि पटेल जीत गई हैं, वार्ड नंबर 60 से नीरू पटेल जीत गई हैं और वार्ड 56 से पुष्पा कनौजिया ने जीत दर्ज की है। तो बलिया से बड़ा अपडेट आ रहा है, यहाँ पर 4 जिला पंचायत सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। तो समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने और बढ़त ली है। वार्ड नंबर 41 से सपा की कंचन यादव जीत गई हैं, वार्ड 57 से रश्मि पटेल ने जीत की है और वार्ड 60 से नीरू ने जीत दर्ज की है। तो कुशीनगर से भी अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर, देखिए 61 जिला पंचायत सीटों पर रुझान आ गया है। 61 में से 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कुशीनगर में आप बात करेंगे तो 61 में से 10 सीटों पर बसपा आगे है और 2 सीटों पर कांग्रेस है। 29 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। कुशीनगर में दोपहर के बाद नतीजे आने की उम्मीद है और बीजेपी 20 सीटों पर आगे है, बसपा 10 सीट पर आगे है और कुछ इस तरीके के रुझान मिल रहे हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। और देखिए बरेली का अपडेट आपको बताते हैं, 4 जिला पंचायत सीटों के नतीजे आ गए हैं। बरेली में वार्ड 41 से सपा की कंचन यादव जीत गई हैं, बरेली वार्ड 57 से रश्मि पटेल की जीत हुई है, वार्ड नंबर 60 से नीरू पटेल और वार्ड 56 से पुष्पा कनौजिया की जीत हुई है। तो चलिए हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बाकी की जानकारी लेते हैं। अनूप बताइए कितनी तस्वीर बदल रही है। मैं चाहूंगा कि बरेली में समाजवादी पार्टी और भाजपा की कांटे की टक्कर है। यहाँ पर भाजपा 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है तो समाजवादी पार्टी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बसपा 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 3 और अदर जो है वो 5 पर है। और अगर हम बात करें बीआईपी कैंडिडेट की तो इसमें कंचन, रश्मि, नीरू और पुष्पा जो है ये सभी जीत की ओर है। और सबसे खास बात यह है कि बरेली में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी काफी आगे इसमें गांव की सरकार बनने में आगे बढ़कर आई है। इसमें जो भगवत सोन गंगवार पूर्व चेयरमैन मंत्री रहे हैं, 5 बार के एमएलए रहे हैं तो उनके परिवार के सभी लोग जीत की ओर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव की जो अनुज बधु है शिल्पी यादव वो भी जीत की ओर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नीरू पटेल की तो वो भी बहुत बड़े अंतराल से विजय पताका फहराने की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें पुष्पा कनौजिया की और जितने भी वीआईपी कैंडिडेट की बात करें तो ये सभी लोग जीत की ओर दिखाई दे रहे हैं। अब दोपहर तक बिल्कुल तस्वीर साफ, बिल्कुल तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी और उस पर निगाहें बनी हुई। शुक्रिया अनूप आपका। तो तस्वीरें बहुत जल्दी अब साफ होनी शुरू हो जाएंगी और सबसे